बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को रिलीज हुए अभी सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं और फिल्म ने अब तक 166 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। सलमान की भारत से लेकर आमिर की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को ये फिल्म पीछे छोड़ चुकी है। वहीं अब लीजिए फिल्म वॉर ने प्रभास की साहू को भी करारी मात दी है। ये तो आप जानते ही हैं कि साहू को क्रिटिक्स की तरफ से तो कुछ रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही शानदार कारोबार किया था। लेकिन एक मामले में साहू वॉर के आगे फेल हो गई है। दरअसल वॉर ने अपने पहले संडे को 36 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार किया, वहीं पहले संडे को साहू ने लगभग 30 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन वॉर ने 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की साहू को धूल चटा दी है। बता दें कि यशराज फिल्म्स की वॉर को इंडिया में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। वहीं ओवरसीज में इस फिल्म को 1350 स्क्रीन मिले थे। 200 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म में बेहद ही धमाकेदार एक्शन सीन्स हैं, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अलावा वाणी कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई हैं। आपको बता दें कि फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए मेकर्स ने इसके सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि फिल्म के सीक्वल में भी ऋतिक और टाइगर की जोड़ी देखने को मिलेगी या फिर सिद्धार्थ आनंद किन्हीं और एक्टर्स के साथ वॉर का सीक्वल बनाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, वॉर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।